जय साथियों, कैसे हो? ये नरेशन सीरीज का वीडियो है। नरेशन मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट। मैंने आपको सारे चेंज सिखा दिए हैं और आज हम लोग कुछ सेंटेंस में चेंज करके देखेंगे, ठीक है। देखिए साथियों, यहाँ पे मैं आपको दो से तीन प्रकार के सेंटेंस सिखाऊंगा और प्रैक्टिस आपको करनी है। अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। तो पहला सेंटेंस है राम सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम रीडिंग अ बुक। बहुत सिंपल सा सेंटेंस दिया मैंने आपको समझाने के लिए। देखिए, पहले क्या क्या चेंज होना उस पर टिक कर लो। सैड चेंज होगा, टू हट जाएगा, कॉमा चेंज होगा, कॉमा की जगह क्या क्या बताएंगे, आई चेंज होगा और एम चेंज होगा। तो जो जो चेंज करना था सबको मैंने टिक कर लिया। अब देखिए, इसे चेंज करना स्टार्ट करते हैं। तो राम सैड चेंज होगा टोल्ड में, देखिए साथियों, अगर सैड अकेला आता, सैड के पीछे ये टू हिम ना लिखा होता तो सैड का यहां पर हम सैड लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सैड। लेकिन अगर देखिए लिखा होता राम सैड आई एम रीडिंग अ बुक और यहां पे कुछ नहीं है ना, राम सैड टू हिम, राम सैड टू मी, कुछ नहीं है, केवल राम सैड है तो सैड का सैड रहेगा। लेकिन अगर राम सेड टू हिम है, क्या है, राम सेड टू हिम, राम सेड टू मोहन, राम सेड टू सीता, राम सेड टू अदर पर्सन कोई भी, तो फिर यहां सेड का सेड नहीं होगा, यहां होगा सेड का टोल्ड, ठीक है। तो राम टोल्ड टू क्या होगा, हट जाएगा। तो राम टोल्ड हिम कॉमा की जगह पे आएगा दैट, कॉमा की जगह क्या आएगा, दैट, क्योंकि हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस कर रहे हैं। तो राम टोल्ड हिम दैट और आई, मैंने आपको याद होगा वीडियो लिखवाया था सन अपॉन 1 2 3। तो देखिए, आई कौन सा पर्सन है, आई ए फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कहां होता है, सब्जेक्ट हम देखते हैं बाहर वाले का, तो आई चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको मैंने लिखाया था, सारे प्रोनाउन चेंज बताए थे। अब आप देखिएगा, हमें क्या करना होगा, हमें आई की लाइन लिखनी होगी, आई मी माई, प्रोनाउन चेंज का वीडियो देखिएगा समझ में आएगा। आई मी माई, हमने क्या आई की लाइन लिखी और हमको आई को चेंज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग चेंज करना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट में क्या लिखा, राम, और राम को हम यहाँ राम नहीं लिख सकते, प्रोनाउन में बदलना पड़ेगा। राम किसे बदलना पड़ेगा, प्रोनाउन में, और जब प्रोनाउन में बदलेंगे तो राम है एक लड़का और लड़के के लिए आता है ही, तो यहां लिखेंगे ही की लाइन, ही हिम और हिज। अब आप देखिए, हमें बदलना क्या था, आई, तो आई के नीचे क्या आया, आई के नीचे आया ही, आई के नीचे क्या आया, ही, तो राम टोल्ड हिम दैट ही, समझ में आ गया होगा। फिर अगला बदलना है हमको एम, क्या बदलना है, एम। तो मैंने आपको टेंस चार्ट, टेंस वाला जब वीडियो बताया था कि टेंस कैसे चेंज करेंगे, तो एम का हो जाता है वॉज, उससे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो राम टोल्ड हिम दैट ही वॉज रीडिंग अ बुक, समझ में आ गया होगा। देखिए, हमने क्या क्या बदला, हमने टोल्ड बदला, हमने दैट बदला, टू को काट दिया, ही बदला, ही किसके अकॉर्डिंग, आई के अकॉर्डिंग बदला, और एम के अकॉर्डिंग वॉच बदला। अगर आपको यहाँ पे मेरा ये समझ में नहीं आ रहा है, एम से वॉच कैसे हुआ, आई से ही कैसे हुआ, तो इसको आपको मेरे प्रोनाउन चेंज वीडियो और आपको मेरे टेंस चेंज वीडियो देखने पड़ेंगे। चलिए ठीक है, तो आई रेज इट, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, चलिए आप चाहिए तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चलिए अब मैं अगला सेंटेंस लिख रहा हूं। यहां पर अगला सेंटेंस क्या है,
अगला सेंटेंस है, देखिए साथियों अगला सेंटेंस क्या है, मोहित सेड टू मी यू कुक्स द फूड। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग जहां जहां चेंज करना, देखिए सेड के बाद टू मी लगा है तो मतलब यहां सेड का टोल होगा, टू कट जाएगा, कॉमा चेंज होगा, यू चेंज होगा और कुक्स का एस चेंज होगा, कुक्स का एस चेंज होगा। चलिए देखते हैं कैसे चेंज होगा। देखिए मोहित, मोहित सेट का हो जाएगा टोल्ड, मी कॉमा की जगह पे आएगा दैट, कॉमा की जगह पे क्या आएगा दैट, तो मोहित टोल्ड मी दैट। यू की जगह क्या आएगा, अब देखिए यू है कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, फिर से मैं लिख रहा हूं सन अपॉन वन टू थ्री। देखिए मोहित है सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट कहां देखेंगे, बाहर वाले का, तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर वही करेंगे, यू की लाइन लिखेंगे, यू यू योर, यू यू योर, और मी के अकॉर्डिंग लिखेंगे आई की लाइन, आई मी माय। चेंज क्या करना था हमको, यू, यू के नीचे क्या आया आई, तो यहां क्या हो जाएगा आई। देखिए मोहित टोल्ड मी दैट आई, अब लिखा कुक्स, जहां कुक्स होता है, जहां एस लगता है वहां पे सेकंड फॉर्म आती है, मेरे टेंस के वीडियो जाके देखिए, तो कुक्स मतलब कुक की सेकंड फॉर्म क्या होगी, कुक्ड, कुक्ड द फूड। ये भी आपको समझ में आ गया हो, मैंने क्या क्या चेंज किया, टोल्ड चेंज किया, दैट चेंज किया, आई चेंज किया, कुक चेंज किया। देखिए साथियों वीडियो में कुछ लिमिट्स हैं, अगर वीडियो बड़ा बनता है तो आप देखते नहीं हो, छोटा बनता है हमारी मजबूरियां हैं, तो मैंने आज इस वीडियो में क्या किया, मैंने दो आपको नरेशन सिखाए चेंज करना, मेरे पूरे वीडियो पुराने पड़े हुए हैं, आप उनको समझिए और चेंज करिए। आगे और भी दो एक दो वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको चेंज करना सिखाऊंगा, फिर इसके बाद आपको इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी सिखाऊंगा। तो अगर आप कंटेंट समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड जय हिंद।